नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुझ पर बहुत प्रेशर था भूल भुलैया 3 में तब्बू की कास्टिंग को लेकर बोली अनीस बज्मी। अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही ऑडियंस के बीच इसको लेकर काफी ज्यादा बज है। रघु बाबा और मंजुलिका को देखने के लिए लोग बेताब है। वहीं फिल्म की मेजर कास्ट में भी बड़ा बदलाव हुआ है, जहाँ कुछ पुराने चेहरों के साथ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। 17 साल बाद वापस लौटेगी पुरानी मंजुलिका। हॉरर कॉमेडी की पहली किस्त में अक्षय कुमार और विद्या बालन की जोड़ी नजर आई। अगर कड़ी में कार्तिक आर्यन और तब्बू को कमान सौंपी गई, दोनों ने अपना किरदार बखूबी निभाया। अब भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन तो है ही, साथ ही साथ विद्या बालन भी 17 साल बाद मंजुलिका का रूप धारण करके लोगों को डराने लौट रही हैं। उनके साथ नई मंजुलिका की भूमिका निभा रही माधुरी दीक्षित नैने भी शामिल होंगी। अब फैंस इस बात से हैरान हैं कि दो दो मंजुलिका को लाने के पीछे मेकर्स का क्या दिमाग है। वहीं कुछ का मानना है कि अगर दो मंजुलिका रखनी भी थी तो स्क्रीन पर विद्या बालन और तब्बू को दिखाया जाना चाहिए। फैंस तब्बू को पार्ट 3 में देखना चाहते थे। अब इस बारे में निर्देशक अनीस बाज्मी से बात की न्यूज 18 शोसा ने, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर भी तब्बू को कास्ट करने का प्रेशर था। उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने आगे कहा कि भूल भुलैया 2 में एक दृश्य में उनके लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने तय किया कि वो तब्बू के किरदार को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीक्वल में एक सीन है जहां मंजुलिका अपनी जुड़वा को कैमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि दो बहनों की बीच की बात कभी खत्म नहीं होती, हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, यह सब कल्पना पर छोड़ दिया गया है। फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होगी, जिससे इसका क्रेज रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन से होगा। ये एक मल्टी स्टार फिल्म है जिसमें अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह आदि नजर आएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज आपकी आवाज़।